प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्या कह रहे हैं सुनते हैं। साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है, भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था, और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। आज समग्र देश को जिनके लिए गौरव है, ऐसे राजा राममोहन राय जी की जन्म जयंती है, और उस समय मेरा पश्चिम बंगाल की इस पवित्र धरती पर होना मेरे मन को छूने वाली बात होती है। लेकिन संकट की घड़ी से हम जूझ रहे हैं, तब मैं तो इतना ही कहूँगा कि राजा राममोहन राय जी हम सबको आशीर्वाद दें, ताकि समयानुकूल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे, उनको पूरा करने के लिए हम मिल बैठ करके, मिलजुल करके एक उज्जवल भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए समाज सुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे, और वही राजा राममोहन राय जी को उत्तम श्रद्धांजलि होगी। मैं मेरे पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है, भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। इसी संकट की घड़ी के समय आप सबसे मिलने आया हूं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पा रहा हूं, मन में एक कसक तो रह जाएगी। यहां से मैं आज उड़ीसा की ओर जाऊंगा और वहां भी हवाई निरीक्षण करूंगा, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहां की सरकार से बातचीत करूंगा। मैं फिर एक बार पश्चिम बंगाल की इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं, जल्द से जल्द आप इस संकट से बाहर निकले, इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जो कि इस वक्त उनका संबोधन आप सुन रहे थे, 1000 करोड़ रुपयों की मदद का ऐलान पश्चिम बंगाल के लिए किया है। तो केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल राज्य को 1000 करोड़ रुपयों की मदद का ऐलान किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दरअसल अम्फान तबाही की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, और जिसका दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में इस वक्त अभी तक हैं, और अब से थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे ओडिशा। अब तक जानकारी दें आपको कि इस तबाही की वजह से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 80 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहां के हालात का जायजा लिया, हवाई सर्वेक्षण किया, और इसके बाद में आपने देखा कि तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे और उनके कुछ दूरी पर सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ममता बनर्जी बैठी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें की कि किस तरीके से इस तबाही की वजह से लोगों को मुश्किलें आई हैं, मगर जो मुख्य बात है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपयों की मदद का ऐलान किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की मांग की गई थी।